असल मैं हूं मलिक मोहम्मद जहाँजे मैबल एडवोकेट कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट आज की हमारी वीडियो असला लाइसेंस से मुतल है आज की इस वीडियो में असला लाइसेंस के हवाले से हमारे व्यूवर्स की तरफ से पूछे गए दो इंतहाई अहम तरीन सवाल का जवाब दिए जाएंगे उन अहम तरीन सवाल में से पहला सवाल ये है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ झूठी या सच्ची एफ आई आर हो जाती है और वो शख्स बाद में अदालत से बाज़त बरी हो जाता है या उसके ख़िलाफ़ वो मुकदमा झूठा होने की बुनियाद पर खारिज हो जाता है या उस मुकदमे में राजीनामा हो जाता है तो जब वो असला लाइसेंस की फ़ाइल लेकर आर्म सेक्शन में जाता है आर्म्स ऑफिसर के पास जाता है तो उसकी फाइल पर एतराज़ लग जाता है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है तो उस एतराज़ को दूर करने के लिए अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है और ऐसा शख्स जिसके ऊपर एफ दर्ज हो और बाद में राजीनामा हो जाए और या फिर मुकदमा ही खारिज हो जाए या कोर्ट ऑफ लॉ से बाइज़त बरी हो जाए तो वह ऐसा शख्स अपना असला लाइसेंस किस तरह बनवा सकता है अब आ जाते हैं इस सवाल के जवाब की तरफ कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एफ़ आई आर या मुकदमा दर्ज हो जाता है तो कानून ये कहता है कि जब तक आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट नहीं हो जाते आपको सज़ा नहीं हो जाती तब तक आप मुलम ही रहते हैं मुजरिम नहीं बनते चाहे आपके खिलाफ दस एफ आई आर ही क्यों ना हो और एफ़ आई होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुजरिम हैं बल्कि वो महज़ इल्ज़ाम हैं उस एफ आई आर के दर्ज होने के बाद अगर आपका ट्रायल होता है और आप उस ट्रायल में बाइज़त बरी हो जाते हैं कोर्ट ऑफ लॉ आपको बाइज़त बरी कर देती है और या फिर आपका मुकदमा ही सिरे से ख़ारिज हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में आप बेगुनाहित हो जाते हैं और एफ आई आर बोगसित होती है तो सिरे से एफ आई आर ही खारिज हो जाती है या फिर आपका राजीनामा हो जाता है इन तमाम सूरत हाल में आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद रहता है जब तक कि आप उसे अपडेट नहीं करवाते और ऐसा शख्स जब असला लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो असला लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए उसकी फ़ाइल की तैयारी में सबसे अहम चीज़ पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन होती है और उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आ जाता है कि आपके खिलाफ फ़लानी एफ़ आई आर दर्ज है फ़लाने जुर्म के तहत तो इस सूरत में फिर आपकी फ़ाइल पर एतराज़ लग जाता है और आप असला लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं रहते तो इसका सादा और आसान तरीक़ाकार कार्य यह है कि अगर आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से बाइज़त बरी हो चुके हैं या फिर आपके खिलाफ दायर मुकदमा ही सिरे से ख़ारिज हो चुका है तो आप उसकी हसब जबता कॉपी लें और पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम में ले जाकर बाकायदा पटिशन दायर करें जिसमें एस पी सी आर ओ से ये अल्तजा की जाए कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम अपडेट कर दिया जाए क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट करवाने के तरीक़ाकार पर मैंने एक तफसीली वीडियो बना रखी है जो चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक नज़र आ जाएगा आप उस वीडियो को देखकर कर मुकम्मल तरीक़ाकार समझ सकते हैं कि आप अपना किस तरीके से क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट करवाएंगे लेकिन याद रहे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट तभी होगा जब आप कोर्ट ऑफ लॉ से बाइज़त बरी हो जाएंगे या आपके खिलाफ मुकदमा खारिज हो जाएगा तो आप उस वीडियो को मुकम्मल देख लें और उस तरीक़ाकार पर अमल करते हुए एक अच्छा सा वकील एक अच्छा सा कौनसल इंगेज करें और अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट करवाएं जब क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा तो पुलिस करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में बाकायदा ये मेंशन होगा कि आपके ऊपर फलां एफ आई आर तो दर्ज हुई थी लेकिन उसका नतीजा ने ये निकला कि आप कोर्ट ऑफ लॉ से बाइज़त बरी हो चुके हैं लेकिन अगर आपको किसी भी मुकदमे में किसी भी अदालत से सज़ा हो चुकी है आप कन्विक्ट हो चुके हैं तो फिर आप एक बात जहन में रखें कि आप कभी भी असला लाइसेंस नहीं बनवा सकते क्योंकि कन्विक्ट बंदा मुजरिम होता है और मुजरिम को पाकिस्तानी कवानीन में असला लाइसेंस बनवाने की इजाज़त नहीं है बाजात ऐसा होता है कि हमारे ख़िलाफ़ कोई एफ़ आई आर दर्ज होती है तो हम उस एफ़ आई आर में सज़ा तो नहीं होते लेकिन हम जुर्माना करवा लेते हैं तो जुर्माना भी सज़ा के ज़ुमरे में आता है जुर्माना भी कन्विक्टड कर देता है आपको जुर्माना भी आपको मुजरम बना देता है तो अगर आप सज़ा याफ्तः हैं या आपके खिलाफ़ जुर्माना हो चुका है तब भी आपका लाइसेंस कभी भी नहीं बन सकता दूसरा अहम तरीन सवाल जो मतद मतबा मुझसे चैनल पर वीडियो के कामेंट्स में पूछा गया और व्हाट्सएप पर भी काफ़ी मरतबा पूछा गया ये सवाल आबादी के अक्सरियती पोर्शन से मुतलक है मतलब ख़वात से मुतक है जो हमारी आबादी का सबसे मेजर पोर्शन है वो सवाल ये है कि क्या खातन को अपने सेल्फ डिफेंस और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मौजूदा तमाम तरगंभीर हालात को मद्दनज़र रखते हुए हथियार रखने चाहिए और अगर इसल रखना चाहिए तो उस असलह का क्या लाइसेंस बन सकता है तो अगर ख़वात हथियार या इसल रखना चाहें और उसके लिए लाइसेंस बनवाना चाहें तो उस लाइसेंस के बनवाने का कार क्या होगा और क्या वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं उसका मुकम्मल क्राइटेरिया उसका मुकम्मल तरीक़ार क्या है जिस तरह मर्दों को पाकिस्तानी कवानी में या पाकिस्तानी आयन में हकूक़ हासिल हैं वैसे ही ख़वन को हकूक़ भी और तहफ़ भी हासिल है जिस तरह मर्द अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस रख सकता है वैसे ही खातिन भी रख सकती हैं खातिन को भी ये हक हासिल है कि वो अपने सेल्फ़ डिफेंस अपने सेल्फ़ प्रोटेक्शन अपनी सिक्योरिटी के लिए इसल रख सकती हैं लेकिन कानून के दायरे कार में रहते हुए लाइसेंस्ड वेपन का इस्तेमाल कर सकती हैं वीडियो की तोवालत को मद्देनज़र रखते हुए ख़वान के असला लाइसेंस के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा इस हवाले से मैं जल्द ही एक शहदा वीडियो बनाऊंगा जो हमारी आबादी के अक्सरियती पोर्शन हमारी बैक बोन खुत से मतलब होगा और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़वान के असला लाइसेंस के हवाले से ही बात की जाएगी फ़िलहाल इतने ही जवाब पर इतफ़ा करें कि खातान असल लाइसेंस भी बनवा सकती हैं और अपने तहफ़ के लिए असलह रख भी सकती हैं लाइसेंसड वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके कमेंट कर दें और असला के शौकीन हजरात तक वीडियो को ज़रूर फारवर्ड करें और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो उन तक बर वक्त पहुँच सके मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जीते रहें आबाद